खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, हेलीकॉप्टर आप उनका देख सकते हैं और अब ये वायनाड पे लैंड कर गया है। हेलीकॉप्टर वायनाड पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद है। इस बात पर सस्पेंस है कि वो यहां से रोड शो करेंगे, पहले नामांकन भरेंगे या पहले रोड शो, इस पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। सिक्योरिटी रीजंस के चलते हुए शायद एसपी जी ये बता भी नहीं रही है, लेकिन हमारी नजर लगातार इस पर बनी हुई है। रोमाना कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित होंगे इन तस्वीरों को देख के, राहुल गांधी वायनाड पहुंच चुके हैं। जैसे प्रियंका गांधी पहले उतरी हेलीकॉप्टर से और साथ में उनके भाई राहुल गांधी, दोनों भाई बहन साथ साथ आगे बढ़ते हुए तस्वीरों में आप देख रहे हैं। राहुल गांधी आगे आगे, प्रियंका गांधी उनके पीछे पीछे। वायनाड में पहले से ही कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद और सबसे पहले तो जो नेता हैं वहां पर मौजूद उनसे राहुल गांधी मिल रहे हैं। ये काफी कैमरा हिल रहा है, इस वजह से तस्वीरें आपको हिलती हुई नजर आ रही है। अभी कुछ ही देर में आपको स्थिर तस्वीरें देखेंगे। ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें जब दोनों भाई बहन उतरे हेलीकॉप्टर से। राहुल गांधी सफेद कुर्ते पजामे में और पीछे साड़ी में बहन प्रियंका गांधी। हर महत्वपूर्ण मौके पर साये की तरह अपने भाई के साथ होती हैं प्रियंका गांधी, और आज भी इस मौके पर जब पहली बार दक्षिण भारत में उम्मीदवार के तौर पर दस्तक देने जा रहे हैं राहुल गांधी, तो आज भी इस खास मौके पर प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के साथ वायनाड से आज पर्चा दाखिल करेंगे। राहुल गांधी एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए, हेलीकॉप्टर से उतर चुके हैं राहुल गांधी और उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी। सीधे आपको लिए चलते हैं, जैनेन्द्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जैनेन्द्र, हम जैनेन्द्र से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं ये तस्वीरें आपको दिखा दूं। ये उस वक्त की तस्वीरें जिस वक्त हेलीकॉप्टर से उतरकर नीचे आए राहुल गांधी, बहन प्रियंका उनके साथ में और वहां मौजूद नेताओं से मिल रहे हैं। बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद हैं और पूरे रास्ते भर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तैयारी की है। बार बार स्वागत में राहुल गांधी के उनके पहुंचने से पहले ही नारे लगने शुरू हो गए हैं, चौकीदार चोर है। रास्ते से होते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केरल के वायनाड पहुंच चुके हैं, जहां पर कि उन्हें नामांकन दाखिल करना है। वायनाड में तीसरे चरण में लोकसभा का चुनाव है और उसके लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ पहुंचे हैं वायनाड, यहां पर जिला मुख्यालय में वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हेलीकॉप्टर उतर चुका है अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ, राहुल गांधी उतर चुके हैं और ये जो आप नजारा देख रहे हैं ये हेलीपैड से डीएम ऑफिस तक वाली सड़क है, जिसके दोनों तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठे हैं। उनके हाथों में झंडा है, कांग्रेस का झंडा, इसके अलावा यहाँ IUML इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का झंडा है और जो तमाम कांग्रेसी हैं उन्हें एक झलक वो देखना है राहुल गांधी को। इसके अलावा प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ रहेंगी तो उसको लेकर के भी दिलचस्पी है। तस्वीरें आपको मैं लगातार दिखा रहा हूं, देखिए सड़क के दोनों तरफ घेरा बनाया गया है और उसके बाहर इस तरीके से कार्यकर्ता झंडों के साथ टकटकी लगा करके उस तरफ देख रहे हैं जहां से कि राहुल गांधी का काफिला आना है। इसी सड़क से होते हुए राहुल गांधी डीएम ऑफिस पहुंचेंगे, जहां पर कि नामांकन दाखिल करेंगे। हेलीपैड से डीएम ऑफिस की दूरी महज 500 मीटर है, हालांकि राहुल गांधी ये जो दूरी है ये पैदल तय करेंगे, वो गाड़ी में तय करेंगे। सुरक्षा कारणों से आखिरी वक्त तक भी इसको लेकर के तस्वीर
तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि ज्यादा संभावना यही है कि राहुल गांधी हेलीपैड से गाड़ी में बैठ करके डीएम ऑफिस की तरफ रवाना हो। डीएम ऑफिस से 200 मीटर पहले जैसा नियम होता है गाड़ियों का जो काफिला है वो रुक जाएगा और इसके बाद राहुल गांधी चार प्रस्तावकों के साथ अंदर जाएंगे नामांकन दाखिल करने डीएम ऑफिस के बाहर। और दूर जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो डीएम ऑफिस के आसपास की तस्वीर है जहां पर कि इसी तरीके की भीड़ है और कुछ वक्त तक यहां पर जो भीड़ थी वो खूब नारे लगा रही थी, लेकिन अब इन्हें पता चल चुका है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आ चुके हैं, इसीलिए सारे के सारे लोग दम साधे हुए और चुपचाप उस तरफ टकटकी लगा करके देख रहे हैं जिधर से कि राहुल गांधी का काफिला आना है। एक बार फिर हम आपको बता दें कि राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है, राहुल अपनी बहन प्रियंका के साथ वायनाड पहुंच चुके हैं और हेलीपैड पर इस वक्त वो मौजूद है। वहां से कुछ देर में, थोड़ी देर में वो इस सड़क पर उनका काफिला आएगा और ये रास्ता जाता है डीएम दफ्तर में, डीएम दफ्तर की तरफ जहां पर कि राहुल गांधी को करना है नामांकन। और उसके पहले देखिए इस तरीके से राहुल गांधी की तस्वीर, प्रियंका गांधी की तस्वीर, कांग्रेस का झंडा हर तरफ नजर आ रहा है। राहुल गांधी आ चुके हैं, बहुत आप लोग खुश नजर आ रहे हो। कुछ क्या कहना चाहते हैं? आज बहुत खुशी है। अच्छा, ये लोगों को फर्स्ट टाइम है, देशीय पॉलिटिकल लीडर फर्स्ट टाइम आएगा, पहली बार राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी भी आ रही है, तो खुशी बहुत खुशी है। सर बताइए किस तरह की तैयारी, अब राहुल गांधी आ चुके हैं, अब वो कितनी देर में इस रोड पे आएंगे? अभी 10 मिनट का अंदर अभी लेडीज को लाइनअप में शेखन दे रहे हैं, अभी सब लोग हम लोग इधर खुशी है, बहुत खुशी है। अभी देखो मुंबई में गोपीनाथ मुंडे का बेटी लीड 5 लाख ऊपर लीड हो गए, अभी इंडिया का सबसे बड़ा लीड हुई है, वो लीड के ऊपर आ जाएगा हम लोग। तो रोमाना, ये जो लोग हैं यहाँ के कांग्रेसी नेता है, कार्यकर्ता है, वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा लीड इस बार लोकसभा चुनाव में इस सीट से राहुल गांधी को मिलेगी और रिकॉर्ड बनेगा। लोग सीधे हाथ उठाकर कह रहे हैं 5 लाख, ये कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी है तो एक वो स्टाइल भी है, तो लोग कह रहे हैं 5 लाख के अंतर से जीतेंगे, ये भी दावा किया जा रहा है यहाँ पर। कि लेफ्ट ये प्रचार लगातार कर रहा है कि क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये कांग्रेस के व्यस्त नेता हैं, ये यहाँ पे इलाके के जो लोकल मुद्दे हैं उन पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। आप उन स्थानीय लोगों के बीच में मौजूद हैं, क्या कहना है उनका, क्या राहुल गांधी वायनाड का विकास उतना ही कर पाएंगे? लगता है हमारा जैनेन से संपर्क टूट गया है, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। ये दो तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं वायनाड में, जिस समय राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर लैंड किया, प्रियंका गांधी उनके साथ नजर आई, ये उतरते हुए आप उनको देख रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भीड़ का रेला, कार्यकर्ताओं को इंतजार है अपने नेता के इंतजार में। पिंकी राजपुरोहित हमारी सहयोगी हमसे जुड़ रही हैं। पिंकी, लगातार लेफ्ट ये प्रचार कर रहा है कि राहुल गांधी यहाँ के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो व्यस्त नेता हैं, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में आप लोगों के बीच मौजूद हैं, क्या प्रतिक्रिया है उनकी? पिंकी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ पिंकी, लगातार मैं बार बार यही पूछ रही हूँ कि लेफ्ट ये प्रचार कर रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पास तो समय ही नहीं होगा वायनाड के स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देने के लिए। स्थानीय लोगों का क्या मानना है, क्योंकि कार्यकर्ता तो बहुत जोश में है लेकिन वोट तो स्थानीय लोगों को देना है। देखिए बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है, लेकिन साफ तौर पर जो, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है, हमारी एलडीएफ कैंडिडेट और एनडीए के कैंडिडेट से जब बात हुई थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि लोगों के बीच वे इस मुद्दे को लेकर जाएंगे कि अगर वो दोनों ही सीट से जीतते हैं तो वायनाड छोड़ देंगे, और दूसरा बड़ा मुद्दा वो ये कह रहे हैं कि आउटसाइडर है, मलयालम लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं लोकल वर्सेस आउटसाइडर का इश्यू भी यहाँ पर साफ तौर पर उठ रहा है। साथ ही लोकल इश्यूज को वो कैसे एड्रेस करेंगे, क्योंकि हार्डली उन्हें टाइम मिलेगा जब वो वायनाड आएंगे, या तो एक या दो पब्लिक रैली कर पाएंगे, तो ये मुद्दे जो है वो पब्लिक के अमंग भी हमने देखे हैं और लगातार पब्लिक से भी, क्योंकि हमारी 3 दिन से लगातार बातचीत हो रही है, तो यही मुद्दे साफ तौर पर यहाँ पर उठ भी रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, चेटा हिंदी अर्युमा इंग्लिश ओके, सो वायनाड में जो है राहुल गांधी यहाँ पर ज्यादा प्रचार नहीं कर पाएंगे, तो क्या बावजूद उसके यू आर एक्सेप्टिंग राहुल गांधी एज योर कैंडिडेट? लाजिम जरूर, कारण क्या है? वो आदमी लोग सब उसके पीछे है। अच्छा, तो पिंकी हम आपको रोकना चाहेंगे, सीधी तस्वीरें हमें मिलने लगी हैं इस समय, राहुल गांधी को आप देख सकते हैं बस के ऊपर सवार, प्रियंका गांधी उनके उल्टे हाथ में है,
ये तस्वीरें थोड़ी सी धुंधली हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि उनका जो काफिला है वो निकल चुका है एयरपोर्ट से, और प्रियंका गांधी उनके साथ दिखाई दे रही हैं, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। नीचे हुजूम है लोगों का, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो पूरे जोश से लबरेज हैं, उत्साह में दिख रहे हैं। और अभी स्थानीय लोगों से भी हमारी सहयोगी ने बात कराई तो उन्होंने थंब उठा के ये कहा कि नहीं, हम राहुल गांधी चाहे ज्यादा प्रचार यहाँ ना कर पाए लेकिन हम राहुल गांधी के साथ ही हैं।